हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी अनियोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन के पैनल में बचे हुए हैं, उन लोगों के बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। तो आप लोगों को वीडियो देखना है पूरा एंड तक, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वरना आप खुशखबरी क्या है वो समझ में आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बेल्ट्रॉन के जितने भी बचे हुए पैनल में अभी है, अभी जिनके जिन लोगों का अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर जो तो मंत्री जी से मिलने गए थे, मंत्री जी से मिलने के बाद उन लोगों को क्या आश्वासन मिला, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मंत्री जी के द्वारा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है, जो आप लोगों से मैं आज शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मंत्री जी से कुछ लोगों मिलने गए थे डाटा एंट्री ऑपरेटर। वहाँ पे मंत्री जी को बोला गया कि यहाँ पे राजस्व भूमि सुधार विभाग में 3200 पोस्ट अभी भी खाली है। तो यहाँ पे मंत्री जी को यहाँ पे बोला गया कि हम लोगों का ज्वाइनिंग कब तक हुआ यहाँ पे, जबकि यहाँ पे राजस्व भूमि सुधार में 3200 पोस्ट अभी भी खाली है। ठीक है, तो मंत्री जी के द्वारा बोला गया कि कुछ सीट भिजवाने का काम कर देता हूँ। ठीक है, तो आप बोला कि आप लोग निश्चित रहिए, ये भी बोले कि जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगी मानव बल की, मैं वैसे वैसे बेल्ट्रॉन से उपलब्ध करा लूँगा। ये चीज़ मंत्री जी ने बोला। मंत्री जी के द्वारा ये पॉजिटिव न्यूज़ हम लोग को मिला है, देखने को मिला है, और बहुत ही जल्द कुछ अच्छा गुड न्यूज़ आप लोगों को देखने को ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि मंत्री जी ने यह बोला है। और एक हमारे पास एक और पेपर कटिंग है, इन लोगों ने जब मिलने गया था उसके बाद ये न्यूज़ पे आ गया है। ठीक है, तो इस न्यूज़ में लिखा हुआ है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग बड़े पैमाने पर बहाली होने जा रही है। विभागीय मंत्री रामस्वरूप राय ने विभाग के हर तरह की रिक्तियों का ब्यौरा मांगा है। विभाग में अमीन, राजस्व कर्मचारी, सहायक यानी कार्यपाल सहायक, बंदोबस्त पदाधिकारी कारणों के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। क्षेत्रीय कार्यालय में कुछ पद प्रोन्नति से भी भरे जाएंगे। मंत्री के निर्देश के बाद विभाग रिक्तियों की खोज में जुट चुकी है। मंत्री ने कहा है कि विभाग रिक्तियों की जानकारी ये प्रस्ताव भी दे कि इन्हें संविदा या स्थायी नियुक्ति के जरिए भरा जाएगा। कर्मचारी की कमी के कारण न सिर्फ अंचलों प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि सर्वेक्षण और चकबंदी जैसे महत्वपूर्ण अभियान के कारण में भी देरी हो रही है। इसलिए मंत्री ने कहा कि हर विभागों का जितने भी रिक्तियां हैं वहाँ पे ब्यौरा मांगा गया है, और इसके बाद जिन रिक्ति जितने भी निकल के आएगी उन वो रिक्ति सारी बेल्ट्रॉन को भेजी जाएगी। उसके बाद जितने भी बचे हुए पैनल में पास आउट कैंडिडेट हैं उन लोगों का ज्वाइनिंग जल्द ही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।